इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। शायद आपको ध्यान होगा कि पहले ही चैप्टर में, कूलम्स लॉ वाले चैप्टर में, मैंने आपको लिखवाई थी प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, राइट। और प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस जब हमने की थी तो हमने बोला था स्टेशनरी चार्ज मॉडिफाइज स्पेस अराउंड इट सेल्फ विच इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड, बोला बेटा कुमुदिया देखो बेटा। उसके बाद बोला यूनिफॉर्मली मूविंग चार्ज कॉन्स्टिट्यूट करंट एंड जनरेट मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट सेल्फ इन एडिशन टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये तीसरी क्या थी, एन एक्सेलरेटिंग चार्ज प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। हम उस चार्ज की तीसरी प्रॉपर्टी पर हैं। इसका मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट करने के लिए किसी चार्ज को ऑसिलेट करवाओ और जनरेट हो जाएंगे। बिल्कुल जी ऐसे ही करना पड़ेगा। और आपने कर लिया है एलसी ऑसिलेशन वाला सर्किट भी। एक इंडक्टर और एक कैपेसिटर हो तो चार्ज ऑसिलेट करने लगता है, और चार्ज ऑसिलेट करेगा तो एक्सेलरेशन तो आ ही गया ना। और अगर जैसे पेंडुलम है, मेन पोजिशन में वेलोसिटी मैक्सिमम, एक्सट्रीम पे जीरो, फिर मैक्सिमम, फिर जीरो, ऑसिलेशन में ऐसे होता है। तो चार्ज भी तो एक्सेलरेशन में आ गया। एक्सेलरेटिंग चार्ज प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। एलसी ऑसिलेशन सर्किट आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस कर सकता है। या कोई और चार्ज आपके पास है, कॉम करते हो बालों को तो कॉम पे चार्ज आ जाता है। बालों से मान लो इलेक्ट्रॉन निकले, कॉम पे चले गए, तो कॉम पे आपके पास क्या चार्ज है। अब उस चार्ज, उस कॉम को आप एक्सेलरेट कर दो। कैसे एक्सेलरेट करेगा बेटा, देखो बड़ा इंटेलिजेंट बच्चा, देखो आपको बताएगा भाई कॉम के ऊपर चार्ज आ गया, उसको एक्सेलरेट करना है कैसे बेटा, बोलो भाई है। वो हाथ में पकड़ो, उसमें चार्ज आ गया हुआ है, आप उसको कैसे एक्सेलरेट करेगा। जय हो। बालों को कॉम किया, बालों के उससे कॉम पे चार्ज आ गया, मैं बोल रहा हूं। अब उसको एक्सेलरेट करने का तरीका क्या है, अगर इससे पूछते, इसने बोला ना उसको लेके दौड़ता फिरूंगा, बोले पागलों की तरह, कभी सिंजौली की तरफ को दौड़ लिए, कभी टनल की तरफ को दौड़ लिए, ऐसे खुद एक्सेलरेट करेंगे कॉम हाथ में। लेकिन अगर कॉम को अगर सिंपल ऐसे ऑसिलेट करोगे तब भी तो एक्सेलरेशन में आ गई, इट इज जनरेटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। चलो भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करने लगे हम लोग। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है और मैग्नेटिक फील्ड भी होती है। तो अगर आपके पास बेटा ये कोई करंट कैरिंग कनेक्टर है और इसमें करंट लगातार अपनी डायरेक्शन बदल रहा है, पहले ऊपर है उसके बाद नीचे है, मतलब करंट अगर अपवर्ड डायरेक्शन में, याद करिएगा, अगर आपके पास ये कोई कंडक्टर है और इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया आपने, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव है ना, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाती है बेटा। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड उसी डायरेक्शन में करंट, तो करंट अगर इस डायरेक्शन में तो इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो है। अगर ये ऑल्टरनेटिंग करंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड पहले जीरो, फिर बड़ी, फिर मैक्सिमम, फिर कम होने लगी, फिर जीरो, फिर नेगेटिव में जाएगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। करंट जब नीचे किसने मारा किसको, इधर आओ बेटा, दोनों कैमरे के सामने लड़ाई कराते तुम्हारे, आ जाने की, इधर आ जा बेटा, सारी दुनिया देखे कैसे लड़ाई कैसे होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या, पहले ऊपर बढ़ेगी मैक्सिमम, फिर कम और फिर नेगेटिव में। इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से ऑसिलेट करेगी अगर आपने यहां पर चार्ज ऑसिलेट करवा दिया तो। चार्ज ऑसिलेटर का मतलब हो गया कि एसी ऑल्टरनेटिंग करंट। तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड तो वेरी करेगी, अगर ये वायर जो जिनमें एसी फ्लो कर रहा है उनमें यही तो होता है, कभी इलेक्ट्रिक फील्ड एक डायरेक्शन में, कभी दूसरी डायरेक्शन में। अगर करंट इस डायरेक्शन में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात आ गई ना भाई। अगर करंट हो तो करंट के अराउंड तो मैग्नेटिक फील्ड भी होती है यार। क्या करते थे, थंब करते थे तुम करंट की डायरेक्शन में और फिंगर्स देती थी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पर। ये तो बोलता है ये भी ऐसी है, कभी करंट इस डायरेक्शन में तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, और कभी करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो मैग्नेटिक फील्ड उल्टी डायरेक्शन में। पर एक चीज तो क्लियर हो गई कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर थी ऐसे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या इसके राइट एंगल पे थी, बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे आएगी तो मैग्नेटिक फील्ड फिर इसके राइट एंगल पे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होंगी और दोनों एक दूसरे के राइट एंगल पे होंगे। मतलब अगर मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव शो करूं तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी बेटा, है ना, इसमें मैग्नेटिक फील्ड भी होगी और दोनों एक दूसरे के राइट एंगल पे भी होंगी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये मैग्नेटिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये मैग्नेटिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये मैग्नेटिक फील्ड। और मजेदार बात क्या है, चलो ये तो सोर्स आ गया है तो जनरेट कर ही रहा है,
लेकिन आगे इसको ट्रेवल करने के लिए सोर्स की जरूरत नहीं होती। ये सेल्फ सफिशिएंट इंजन की तरह एक्ट करता है। क्यों? आप कर चुके हो, कहाँ? फैराडे लॉ में। फैराडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में आपने क्या किया कि व्हेनेवर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द रीजन चेंजेस देन ईएमएफ इज इंड्यूस। और जहाँ ईएमएफ होगा वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही यार, वो इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने कैलकुलेट भी करवाई थी आपको। जहाँ कहीं भी फ्लक्स चेंज करेगा वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाएगी, या जहाँ कहीं मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेगी वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जाएगी। तो यार भाई यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रही है, ये देख कभी कम है कभी ज़्यादा है, फिर कम होगी, फिर डायरेक्शन चेंज कर ली। ओ भाई ये चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड विल जनरेट चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, और चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड विल जनरेट चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। क्यों? इलेक्ट्रिक फील्ड है तो करंट है, करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड तो होगी होगी। आगे सेल्फ सफिशिएंट इंजन की तरह चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करेगी, और चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करेगी। दिस पिक्चर शोज द वेव ऑफ द रेडिएशन फील्ड फार फ्रॉम द एंटीना, एंटीना से काफी दूर। ऑब्जर्व दैट ई एंड बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड बोथ आर परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल। अगर इस डायरेक्शन में वेव जा रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर आपस में भी राइट एंगल पे हैं, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन पे के भी राइट एंगल पे हैं। तो भाई ऑसिलेटिंग चार्ज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट करता है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है और मैग्नेटिक फील्ड भी होती है। ऑसिलेटिंग ही इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होती है। और हम आज जान चुके हैं, हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में कि जब भी ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगी, और जहाँ ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होगी वो ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगी। देखिए आप चाहे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का चैप्टर है या कोई और है, किताबों में ढूंढोगे तो थ्योरी मिलेगी और अपने आसपास ढूंढोगे तो सब कुछ मिलेगा। आप जानते हो जिस रूम में आप अभी पढ़ रहे हो और मैं पढ़ा रहा हूँ वहाँ पर थोक में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, ठीक? और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन सी है? टीवी के चैनल की है बेटा, 700-800 तो टीवी के चैनल है, सबके सब वेव्स यहाँ पे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है। एफएम के चैनल है, वो भी कम नहीं है। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड बैंड में रेडियो के सिग्नल, रेडियो के चैनल हैं, वो भी कम नहीं है। तुम्हारी जेब में पड़ा मोबाइल, सिर्फ तुम्हारे नहीं, आसपास बहुत सारे हैं, हजारों में होंगे आसपास थोड़े से रीजन में, सब के सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट अभी भी कर रहे हैं, तुम यूज़ कर रहे हो या नहीं। तुम्हारी जेब में पड़ा हुआ मोबाइल तुम्हारे आसपास के जो कंपनी के एंटीना उससे गपशप मारने में लगा हुआ, अभी एंटीना पूछ रहा है बेटा ठीक है, उसी से बोले मस्त मस्त बस बहुत बढ़िया, तो ऐसे ही थोड़ा हो जाएगा वो कम्युनिकेशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो भेज रहा है तब पूछ रहा है उससे तू ठीक तो है, बोले मस्त है, सिग्नल रिसीव कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बोलता है मस्त है भाई, आ रहा है सिग्नल, आ रहा है बढ़िया फर्स्ट क्लास। वो मजबूरी है कंपनी की भी और एंटीना की भी, उसको टच में रहना पड़ेगा उस मोबाइल के साथ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट करनी ही पड़ेगी क्योंकि मदर कंप्यूटर के पास इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि बंदा ये वाली फ्रिक्वेंसी वाला बंदा है कहाँ पर है। तुम्हें पता हो इस जगह के ना पता हो, तुम नए आदमी हो मतलब बाहर से आए, कंपनी को पता होता है कि तुम कहाँ पर हो, एग्जैक्ट लोकेशन पता होती है कौन से टावर के बीच में। अगर उनको पता नहीं होगा तो फिर कॉल आएगी तो तुम्हें सेंड कैसे करेंगे, तुम्हारी तरफ भेजेंगे कैसे? लगातार तुम्हारा मोबाइल फ़ोन कंपनी के टच में है और लगातार तुम्हारी जेब में बैठ के भी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट कर रहा है, रिसीव भी कर रहा है। मतलब ये कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब आती हैं, ठीक यहाँ पर है, हजारों में है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव,
अब जिस वेव को आपको रिसीव करना है, मैंने एलसी ऑसिलेटिंग सर्किट में ये बोला था, जिस वेव को रिसीव करना है वो फ्रीक्वेंसी आपको अपने एलसी सर्किट में पहले जनरेट करनी पड़ेगी। उससे ऑसिलेट करवाओगे आप, वो रेजोनेट करेगा विद आउटर फ्रीक्वेंसी, क्योंकि बाहर तो हजारों फ्रीक्वेंसीज हैं, उस फ्रीक्वेंसी के साथ वो रेजोनेट करेगा जो उसने खुद जनरेट की थी। एम्पलीट्यूड बढ़ेगा और उस फ्रीक्वेंसी को हम रिप्रोड्यूस कर लेंगे। मतलब बाहर वाली फ्रीक्वेंसी को रिसीव करना है, करना ना बेटा। अगर किसी चैनल को सुनना चाहते हैं तो वही फ्रीक्वेंसी हमने अपने सर्किट में सेट करनी है, फिर बाहर वाली के साथ रेजोनेट करना है, उस फ्रीक्वेंसी को रिसीव करना है। तो उस फ्रीक्वेंसी को रिसीव करने के तरीके हाँ है हमारे पास। क्या मैं आगे चलो, बस जांच जाकर ना कर दी, फ्रॉड कर जल्दी कर। इसने लिखा भी बढ़िया और फटाफट खत्म भी कर लिया। ये चिंपू शेडिंग से ही बाज नहीं आते। तो भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यहां भी है और इलेक्ट्रिक फील्ड बाई चांस ऊपर जा रही है, मतलब किसी चैनल की, तो बच्चा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तुम्हारे पास नहीं है क्या? अरे तुम्हारे पास भी वही चार्जेस हैं, एटम्स और मॉलिक्यूल से मिलकर बने हो ना, तुम भी मैं भी हमारे आसपास की सारी चीज़ें। तो फिर जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आएगी, और एक नहीं है हजारों हैं, तो वो हमारे चार्जेस के ऊपर भी तो फोर्स लगाएगी। अब हम पे इसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है ऊपर वाला जाना है, एक दो जनरेशन के बाद पता चलेगा कि अच्छा हुआ कि बुरा हुआ, लेकिन इम्पैक्ट हो जरूर रहा है, क्योंकि हम लोग भी चार्ज पार्टिकल से मिलके बने हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमारे चार्ज पार्टिकल के ऊपर भी फोर्स लगाती है। आसपास जितने भी मेटल की चीज़ें उन सब के ऊपर वो ऑसिलेट करवाने की कोशिश करती है। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उस डायरेक्शन में फोर्स सेट करवाने की कोशिश करेगी। अब उसको अगर मुझे रिसीव करना है इलेक्ट्रिक फील्ड को या फिर मैग्नेटिक फील्ड को, तो देखो हैं भाई मेरे पास तरीके, और वो तरीके ये रहे। डिटेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन ईएम वेव, दो होती है ना बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है मैग्नेटिक फील्ड भी होती है, दोनों को बारी बारी से करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो ये वाली है, वो जो रेड वाली हमने शो की थी, कभी फील्ड कम है कभी ज्यादा, कभी मैक्सिमम, कभी कम होने लगी, नेगेटिव में गई, तो क्या करना है आपको? सिंपल एक बार एंटीना यूज करना है, ये वायर है बस, वायर एंटीना या बार एंटीना। क्यों? अरे फ्री चार्जेस है ना भाई इसमें, बस वही तो चाहिए, फ्री इलेक्ट्रॉन वही तो चाहिए। तो अब क्या होगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में, तो पॉजिटिव चार्ज यहां जाएगा, ऐसे होता हुआ, ऐसे होता हुआ कैपेसिटर को चार्ज करता हुआ, एलसी सर्किट ऑसिलेट करवाता हुआ, इस तरीके से, इस तरीके से और इस तरीके से। लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज हुई तो नीचे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन नीचे तो पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स नीचे, ऐसे ऐसे बेटा, ऐसे ऐसे करंट की डायरेक्शन चेंज हो गई, करंट ऑसिलेट करने लगा यार, पहले ऊपर की डायरेक्शन में था, अब नीचे की डायरेक्शन में, चार्जेस ऑसिलेट करने लगे और हमने बाहर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड के सिग्नल को कैच भी कर लिया। तो बाहर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई कहाँ से आई? अरे हजारों तो टीवी के चैनल की जो वेव्स वो यहीं पर तो हैं, या रेडियो चैनल की, रेडियो स्टेशन की, या फिर मोबाइल फोन की, बहुत सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है बेटा। और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इलेक्ट्रिक फील्ड जब आती है, एक बस आपको बार एंटीना चाहिए, उसमें चार्जेस ऑसिलेट करेंगे, एलसी सर्किट आ गया, ऑसिलेशन प्रोड्यूस होगी, उस ऑसिलेशन को हम आगे ऑडियो वीडियो एम्पलीफायर सर्किट में ले गए, ऑडियो और वीडियो को एम्पलीफाई किया और रिप्रोड्यूस किया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को डिटेक्ट करने का फिजिक्स ऑफ रेडियो एंड टेलीविजन रिसेप्शन बेटा, रेडियो और टेलीविजन कैसे रिसीव करते हैं सिग्नल को, एक बार एंटीना इलेक्ट्रिक फील्ड के सिग्नल को रिसीव करने में कैपेबल होता है। अ रेडियो वेव कैन बी डिटेक्टेड विद अ रिसीविंग एंटीना वायर दैट इज पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल होना चाहिए वायर। द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द रेडियो वेव हैज बीन ओमिटेड फॉर सिंप्लिसिटी, एक ही शो की गई है ताकि दो में कन्फ्यूजन होना था, मैग्नेटिक फील्ड बाद में इसके बाद शो करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड को कैसे डिटेक्ट करेंगे।
क्या बोला भाई, जब इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर, तो आप अच्छे से जानते हो कि अगर आपके पास ये पॉजिटिव प्लेट है और ये नेगेटिव प्लेट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव नेगेटिव होती है बेटा ना। पॉजिटिव कोई चार्ज होगा, इट ऑलवेज एक्सपीरियंस फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना बेटा। पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंस फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो प्लस क्यू चार्ज अगर होगा तो पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड उसी डायरेक्शन में फोर्स। और ऐसे ही यहाँ हुआ, पॉजिटिव चार्ज ऊपर जाने लगा तो करंट इस डायरेक्शन में, ऐसे 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 और यहाँ से ऐसे, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड थी तो करंट नीचे की तरफ, ऐसे डायरेक्शन चेंज होने लगी, एलसी ऑसिलेशन सेटअप हो गई। कभी एनर्जी इंडक्टर के पास तो कभी एनर्जी कैपेसिटर के पास। इंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में एनर्जी स्टोर करता है और कैपेसिटर इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में एनर्जी को स्टोर किया करता है। तो भाई ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं और दिखती नहीं है, पर दिखती नहीं है तो उसका मतलब ये नहीं कि हम इनके बारे में समझ भी नहीं सकते। दिखती नहीं है पर हम ये भी जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में होगी उस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और उसके अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो हमारे सराउंडिंग में हम जितनी कंसंट्रेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बढ़ा रहे हैं उतना ही अपने लिए भी डेंजर पैदा कर रहे हैं। घर में जितने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बढ़ते जा रहे हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का सोर्स, वेव का सोर्स होते हैं। एक आधी दो जनरेशन जब पास हो जाएंगी तो पता चलेगा कि इनका हमारे ऊपर फ़र्क क्या पड़ा, क्योंकि हमारा अपना दिमाग, अपना ब्रेन, वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही जनरेट करता है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की पल्सेस डिफरेंट पार्ट को भेजता है बॉडी के, और उससे हमारी बॉडी ऑपरेट होती है। अब वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट कर रहा है, बाहर बहुत सारी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, वो आपस में कैसे कैसे और क्या क्या इंटरेक्ट करेंगी और उसका इफेक्ट इम्पैक्ट ह्यूमन लाइफ पे क्या होगा, आने वाला समय बताएगा। चलो बिठा के तुम्हारा बस चले, तुमने तो फोटो के बारे में भी लिखते जाना बस कुछ ना कुछ, ए बी सी डी जेड तक, नहीं तो फिर 1 2 3 बड़े 100 तक लिखेंगे। नहीं सो, टाइम हो गया, सो जा, सो नहीं सो, ऐसे नहीं बेटा, सो सो जा, तेरी चीप है, सो जा सो बेटा सो, है और सुन, चलो ये आगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को डिटेक्ट करने के लिए सिर्फ एक बार बस चाहिए बस हमारे पास, है ना, सिंपल वायर या फिर बार कंडक्टिंग वायर। और अगर मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट करना है बेटा, ये आगे मैग्नेटिक फील्ड के सिग्नल, तो एक लूप एंटीना चलेगा, ऐसी मैग्नेटिक फील्ड है बेटा, ऐसी वेरी कर रही है, कभी अंदर तो कभी बाहर। जब अंदर की तरफ मैग्नेटिक और बढ़ेगी, ये अंदर की तरफ तो बढ़ रही है बेटा,
इंक्रीज करेगी, फिर डिक्रीज करेगी। जब अंदर वाली मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेगी ना, तो ईएमएफ इज इंड्यूस इन सच अ डायरेक्शन सो एज टू अपोज द कॉज। क्या करते थे, थंब बाहर, किस डायरेक्शन में करंट, इस डायरेक्शन में बेटा, ऐसा 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 ऐसा, या तो करंट सेटअप हो गया यार, म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से यहाँ आएगा और ऑडियो वीडियो एम्पलीफायर सर्किट को भेज दिया जाएगा। जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड कम होने लगी, इन्वर्ट मैग्नेटिक फील्ड थी लेकिन कम होने लगी, तो कम नहीं होने दे रही, तो क्या करते थे, थंब इन्वर्ट डायरेक्शन में, उस मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट करना है इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड ने, करंट उल्टी डायरेक्शन में आ गया बेटा, तो करंट लगातार अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है, कहाँ, एलसी सर्किट में, एलसी ऑसिलेशन सेटअप हो चुके हैं। और हम कोई बैटरी लगा के नहीं बैठे हैं, बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के रिस्पॉन्स के लिए ये दो चीज़ें बस, एक बार एंटीना और एक लूप एंटीना। बार एंटीना इलेक्ट्रिक फील्ड को रिस्पॉन्ड करेगा, लूप एंटीना मैग्नेटिक फील्ड को रिस्पॉन्ड करेगा। तो पहले हमने सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड शो की थी, अब हमने मैग्नेटिक फील्ड ही शो की है, ताकि एक एक को अलग अलग से अच्छे तरह से समझा जाए हुआ क्या। रेडियो में आपके एंटीना लगा होता है, टीवी में भी होते हैं बेटा, बाहर जो डिश है वो एंटीना ही तो है, वो रिसीव कर रहा है जो, तुम्हारे मोबाइल फ़ोन में भी एंटीना हुआ करता था, था मतलब आज की डेट में नहीं है क्या, है लेकिन इनबिल्ट है, अंदर ही है, क्योंकि पहले वो भद्दा सा पूरा बाहर निकाला होता था उन्होंने, फिर लोगों ने बोला यार बुरा लगता है देखने में, और बुरा लगता है तो फिर अंदर ही दबा दिया गया उसको। हाइट काफ़ी कम होती है उसकी, क्योंकि लेमडा के पर वो लैम्डा काफ़ी स्मॉल होता है उन वेव्स का, वेवलेंथ का, जिस वेवलेंथ को रिसीव करना है उसी वेवलेंथ के साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है साइज ऑफ एंटीना। तो पहले हमने देख लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे डिटेक्ट करना है, सिंपल एक बार एंटीना से। अब मैग्नेटिक फील्ड को देख लिया कैसे डिटेक्ट करना है, तो लूप एंटीना से। व्हेन एवर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल चेंजेस, ईएमएफ इज इंड्यूस, ये प्रिंसिपल फैराडे का लॉ हम यूज कर रहे हैं डिटेक्शन के लिए। कभी मैग्नेटिक फील्ड अंदर तो कभी मैग्नेटिक फील्ड बाहर, कभी अंदर तो कभी बाहर, और वो वेरिंग भी है, और वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी, वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगी, वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, वेरिंग करंट जनरेट करेगी। तो ये हमने देखा कि भाई रेडियो वेव्स अगर प्रेजेंट हैं हमारे सराउंडिंग में, तो उनको रिसीव करने का कोई तो तरीका होगा, बड़ा आसान तरीका निकला यार, तो तुम्हारे मोबाइल पे रिसीव करनी तब भी यही तरीका है, रेडियो पे रिसीव करनी तब भी यही तरीका है, और अगर टीवी पे रिसीव करनी तब भी यही तरीका है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को जो वाईफाई पे चलेंगे उनको रेडियो वेव्स तो रिसीव भी करनी पड़ेंगी, एमिट भी करनी पड़ेंगी। तो ये एक अलग दुनिया आ गई जिसको हम देख नहीं सकते, आप ऐसा बोल सकते हो, अलग दुनिया जो कि विजिबल नहीं है, लेकिन बहुत ही शानदार आने वाला समय
देखते हैं कि क्या होगा, लेकिन ऑलरेडी 2010 के आसपास या उससे पहले शायद ये सारे जो तुम्हारे घर हैं मेरे घर हैं सब ऑब्सोलीट हो चुके हैं इस टाइम दुनिया के हिसाब से। मतलब कल को अगर तुम लोग कमाने लगोगे और पैसा कमाओगे, तुम चाहोगे कि ये तो पुराने घर को तोड़ के नए घर बनाया जाए, क्योंकि नए घर जो है अब ऐसे होंगे, आप दरवाजे पे जाते हो और आपको वहाँ सेंसर लगा है जो कि आइज़ के रेटिना को स्कैन करेगा, है ना बेटा। और आइज़ के रेटिना को स्कैन करने का मतलब है वो तुम अगर मैच कर जाता है जो तुमने फीड किया है तो खुलेगा अपने आप, तुम्हारे को कोई चाबी लगाने की ज़रूरत नहीं है। और अंदर जाओगे तो अंदर तुम्हारे अपने मर्जी का जो तुमने फीड किया होगा कि जब मैं अंदर आऊँ मेरे स्वागत के लिए ऐसे ऐसा म्यूज़िक बजना चाहिए, वो म्यूज़िक बजना शुरू हो जाएगा। खुशी हो रही, देखो वहाँ बैठे बैठे बोले स्वागत तो उससे तो करवाऊँगी करवाऊँगी। और आपकी सारी चीज़ें नेट से कनेक्टेड हैं आज की डेट में। आज की डेट में अगर तुम गीजर लेने जाओगे वो वाईफाई से मोबाइल से कनेक्टेड मिल जाएगा, कैमरे जितने हैं वो मोबाइल से कनेक्टेड मिल जाएंगे, है ना बेटा। तो इसका मतलब गीजर को भी तुम ऑर्डर दे सकते हो बाहर से ही कि जी मैं आधे घंटे में पहुँच रहा हूँ, तो ऐसा कर भाई कि 50 डिग्री सेल्सियस से पानी पहले तो गर्म कर ले, उसके बाद निकाल भी दियो टब में मेरे भाई। सब कुछ वाईफाई से कनेक्ट, अभी तक तो गीजर ही था ना बेटा, आप पाइपें और स्विचेस वो भी वाईफाई से कनेक्ट होने वाले हैं। तो तुम मतलब अपने मोबाइल से ही पानी ऑन ऑफ कर सकते हो, अंदर जो टैंकी में जा रहा है वो भी, जो गीजर से बाहर निकलना टैंक में वो भी। और ऐसा घर बिल गेट बहुत पहले बना चुका था, इंटरनेट कनेक्टिविटी कम थी उस टाइम, लेकिन उसका घर बहुत पहले से ऐसा बना हुआ है। उस टाइम लोगों की पहुँच से बाहर था, बहुत महंगा था सब कुछ, अब सस्ता हो रहा है, बायर्स बढ़ रहे हैं और चीज़ें सस्ती हो रही हैं, तो फिर अप्रोच में आ रही हैं तो लोग बनाएंगे भी। चले आगे। अरे तुम पता नहीं क्या करते रहते हो भाई, हो गया भाई वो सेटिंग है। तो भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इलेक्ट्रिक फील्ड डिटेक्ट करने का तरीका भी हमारे पास है, मैग्नेटिक फील्ड डिटेक्ट करने का तरीका भी हमारे पास है। ये देखिए बेटा, ये एक शिप, शिप का मास्ट, मास्ट मतलब जब से वो लगाया होता है डायरेक्शन चेंज करने के लिए, धागे धोके बांधे रस्सियां बांधी होती हैं, शिप का मास्ट है। और यहां पर देखो दो टाइप के एंटीना देख सकते हो, ये लूप एंटीना भी है और बार एंटीना भी है। अरे शिप इसी के ऊपर तो, कम्युनिकेशन के ऊपर तो डिपेंडेंट रहती है, चाहे अपने बेस से बात करनी है, चाहे आपस में आसपास की जो शिप है उनसे बात करनी है, रेडियो सिग्नल ट्रांसमिट हो रहे हैं तो उनको रिसीव भी तो करना है। खुद बात करेगा तो ट्रांसमिट करेगा, बाहर से कोई सिग्नल आ रहा है उसको रिसीव करना है। तो देखिए भाई ये दोनों के दोनों, और हर शिप में होता है, यहाँ पर बार जो एंटीना भी है और लूप एंटीना भी है। दिस शिप मास इंडिकेट दैट both straight and loop antenna are being used to communicate with other vessels and onshore stations. ab ye matlab bulane lag jana ye to samjhane ke liye na tumhara bharosa koi nahi hai bolna main to banana hai bhi wo to banane di aadat se bana bhi diya usne chalo aage beta। अब इसमें क्या बनाना तुमने, इधर ये भयंकर बंदा मास्क मुस्क बना देगा फिर शेड करना शुरू कर देगा। ये था फिजिक्स ऑफ रेडियो एंड टेलीविजन रिसेप्शन बेटा। अब हम आते हैं अपने मैक्सवेल भाई पे, जिसको आप बोल सकते हो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पे जिसने बहुत सारा काम किया, दुनिया को बहुत कुछ देखे गया। बस कि बना लेना बेटा, अभी शिप शिप भी लाऊं बनानी है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बेटा बनाना मत, मैं पीडीएफ भेज दूंगा, ये बनाने मत लगना इसको, है ना। देखिए गामा रेज से शुरू हुई, गामा रेज एक्स रेज
अल्ट्रा वायलेट और विजिबल, ये छोटा सा रीजन है अब बस इतना सा। ऊपर वाले ने आपसे बहुत सारी चीजें छुपा ली हैं, क्योंकि वो सिर्फ आपको जो रेंज दी है देखने के लिए वो ये वाली दी है बस इतने सी। इतना बड़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पेक्ट्रम और तुम्हारे लिए छोटा बस इतना, इन वेवलेंथ की प्रेजेंस में तुम चीजों को देख पाते, इनको नहीं देख पाते, इन ईएम वेव को नहीं देखते तुम लोग, बस इनकी प्रेजेंस में चीजों को देख पाते हो, विबगियर व्हाइट लाइट। तो इतना बड़ा स्पेक्ट्रम में से सिर्फ हमें यह दिया कि भाई इतनी वेवलेंथ की रेंज में तू जो है कुछ देख सकता है, और ये शुरू होती है अप्रॉक्सीमेटली फ्रीक्वेंसी की बात करें तो 7.9 न्यूटन पर 14 हर्ट्ज से शुरू हुई, 4 × 10⁴ हर्ट्ज तक गई, और लैम्डा निकालूं तो लैम्डा मेरे पास आ गया 3800 एंगस्ट्रॉम टू 7500 एंगस्ट्रॉम अप्रॉक्सीमेटली हम 4000 to 7000 एंगस्ट्रॉम बोल देते हैं, पर एग्जैक्ट इसने कैलकुलेशन यहाँ पे की हुई है। तो 3800 एंगस्ट्रॉम टू 7500 एंगस्ट्रॉम, ये विजिबल रेंज बेटा, इसकी प्रेजेंस में तुम चीजों को देख पाते हो, बाकी सब तुमसे छुपा लिया गया। तो नेचर के अपने सीक्रेट है, तुम्हें क्यों बताया भी सारे के सारे, है ना? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बाद हम चलते हैं मैक्सवेल, इसका ध्यान रखना बेटा, ये बंदा खतरनाक है, इसने बनाना शुरू कर देना है बोले ही तो है जरूरी चीज बाकी बाकी तो ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपके एनसीईआरटी का मैंने उठाया वहां से। जेम्स क्लर्क मैक्सवेल 1831 से लेके 1879 तक रहा, मतलब 120-140 साल पुरानी बात, जब दुनिया से चला गया था तो 140 साल पहले की बात। जहां भी पैदा हुआ अच्छी बात थी, लेकिन हुआ क्या, उसने मेन जो किया भाई, मेन काम उसने जो किया ना बेटा, सुनना बेटा, मेन काम जो किया, बेशक किसको पढ़िएगा, मेन काम जो किया तो उसने किया कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। अच्छा, टीवी वगैरह चलता और बारिश वगैरह और मौसम वगैरह वगैरह भी है साथ में, नो सिग्नल वगैरह। हाँ, तेरे खराब होता है, अभी खराब है। देखो, नेटवर्क सिर्फ वो खराब होगा जो कि स्काई वेव प्रोपगेशन से होगा, क्योंकि आसमान में अगर इस टाइम बादल आ गए और अच्छी खासी लेयर हो गई, वैसे तो पेनिट्रेट कर जाती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, पर बादल अगर बहुत ज़्यादा हुए तो वो सिग्नल तुम्हारे एंटीना तक नहीं अगर पहुँच रहे हैं, फिर थोड़ी देर के लिए रिसेप्शन खराब हो सकती है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा देर तक नहीं रहती। ऐसा भी नहीं है कि बादल आ गए तो बिल्कुल नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पेनिट्रेट करके चली जाती हैं, पर अगर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंसेज शुरू हो जाएं, जैसे लाइटनिंग शुरू हो गई है ना, और लाइटनिंग के टाइम में तो बहुत सारी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी चलती है बेटा, वो अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करेगा, तुम्हारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऊपर से रिफ्लेक्ट होकर ऊपर सेटेलाइट के थ्रू आ रही थी, वो इंटरफेयर करेगी, तो उस टाइम थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो सकती है थोड़ी बहुत देर के लिए, हमेशा के लिए नहीं रहेगी। तो भाई एक मैक्सवेल ने क्या किया, डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट दिया, और इस डिस्प्लेसमेंट करंट के कॉन्सेप्ट ने दो लॉ फेल होने से बचा लिया। क्या बोला इसने, मैक्सवेल ने क्या किया जी, बोला ये कि भाई जब हम इसको बैटरी से कनेक्ट करेंगे ना किसी कैपेसिटर को, जब तक ये फुली चार्ज नहीं होता, है ना बेटा, जब तक कैपेसिटर फुली चार्ज नहीं होता तब तक तो करंट जाएगा ना भाई, जैसे ही फुली चार्ज होगा तो इसकी कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या थी, 1/C ओमेगा, है ना बेटा, एफ जीरो हो जाएगा तो एक्स इनफाइनाइट हो जाएगा। जब ये फुली चार्ज होगा तो इट विल नॉट अलाउ डीसी टू फ्लो थ्रू इट, लेकिन बेटा फुली चार्ज होने के लिए तो समय लगेगा ना, थोड़ा चार्ज ग्रो कर रहा है, चार्ज ग्रो अगर कर रहा है तो यहां से तो करंट एंटर कर रहा है, इसको क्या बोलते हैं, कंडक्शन करंट, क्या बोलते हैं, कंडक्शन करंट। आगे एयर में कोई करंट है नहीं है, हो सकता था अगर डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर के बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड होती तो, वो भी नहीं है,
तो यहां करंट एंटर तो कर रहा, लीव नहीं कर रहा, किरचॉफ फैरा लॉ फेल होने लगा। किरचॉफ फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? करंट एंट्रिंग एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज ऑलवेज इक्वल टू करंट लीविंग दैट पॉइंट। भाई एंटर तो हो रहा है, लीव तो कुछ भी नहीं कर रहा है। किरचॉफ फर्स्ट लॉ फेल हो रहा था, एक और लॉ फेल हो रहा था। जैसे डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट आया, मैक्सवेल ने दिया, दोनों के दोनों लॉ फेल होने से बच गए। बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। और बड़ी अचीवमेंट क्या थी भाई मैक्सवेल की? बड़ी अचीवमेंट और पता क्या थी? इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म आपने खत्म कर लिया है, 85 इक्वेशन कर ली, राइट। लेकिन मैक्सवेल ने सिर्फ 5 इक्वेशन आइडेंटिफाई की और उनका बोला ये फंडामेंटल इक्वेशन है, पूरी इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म इन इक्वेशन से डिफाइन किया जा सकता है। बोले भाई बाकी, बोले बाकी इनसे डिराइव कर लो। ये फंडामेंटल इक्वेशन पहचानना आसान काम नहीं था, मैक्सवेल ने वो पहचानी। और आज की डेट में इक्वेशन किसी और की है, मैक्सवेल इक्वेशन के नाम से जानी जाती है। जैसे गॉस लॉ, गॉस की इक्वेशन है भाई, लेकिन गॉस लॉ को क्या बोला मैक्सवेल ने? फंडामेंटल इक्वेशन है, इट इज नेसेसरी टू डिफाइन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। 5 इक्वेशन आइडेंटिफाई की, उन 5 को आज की डेट में दुनिया के साइंटिस्ट लोग मैक्सवेल इक्वेशन के नाम से जानते हैं, जबकि है किन्हीं और किए वो। तो ये काफी बड़ा काम था उसने, क्या फंडामेंटल इक्वेशन विच आर रिक्वायर्ड टू डिफाइन एवरी पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, वो आइडेंटिफाई की थी मैक्सवेल इक्वेशन के नाम से। थोड़ी देर में आपके सामने आएगी। तो ये डिस्प्लेसमेंट करंट क्या था जी? सुनिएगा बेटा, डिस्प्लेसमेंट करंट क्या था? मैंने इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया जी, जैसे ही बैटरी से कनेक्ट किया क्या हुआ, यहां से करंट फ्लो करने लगा। कौन सा? कंडक्शन करंट। आईसी क्या बेटा? कंडक्शन करंट। वायर में जो होता है उसको क्या बोलते हैं? कंडक्शन करंट। यहां तो करंट आ गया लेकिन आगे करंट कोई नहीं है, है ना? तो किरचॉफ फर्स्ट लॉ फेल हो रहा था, तो फिर क्या बोला मैक्सवेल ने? बोले भाई यहां भी करंट होता है, यहां भी करंट होता है, और उसका नाम दिया डिस्प्लेसमेंट करंट। क्या बेटा? उसका नाम दिया डिस्प्लेसमेंट करंट। और बोला ये कि डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है? बोला ये कि डिस्प्लेसमेंट करंट एग्जिस्ट इन अ स्पेस वेयर इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंजेस विद टाइम। बहुत बड़ा अचीवमेंट थी ये। सिर्फ ऐसा नहीं है कि वायर में फ्लो करेगा तभी करंट होगा, अगर कहीं पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज करे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब ई डॉट डी ए, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज करे। अरे चेंज कर रही है भाई, वो चार्ज हो रहा है, चार्ज बढ़ रहा है उसके ऊपर, चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होगा। तो डिस्प्लेसमेंट करंट एग्जिस्ट इन अ स्पेस। चिंपू, वो चिंपू तू उसकी पीठ में, क्या बोला मैंने अभी? अभी क्या बोला मैंने? हैं, इसकी पीठ में नजर आना सब कुछ भी है अपने ध्यान में। तो मैं बड़ा आया पर हूँ, तू अपने ध्यान में डूबा है? डिस्प्लेसमेंट करंट एग्जिस्ट इन अ स्पेस वेयर इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज विद टाइम। और क्या बोला? और बोला भाई ये कि डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट इनटू डी फाई अपॉन डीटी, वेयर फाई इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बेटा फाई ई बोलो, चलो गॉस लॉ पे चले जाओ थोड़ी देर के लिए। क्या था इलेक्ट्रिक फ्लक्स? ई डॉट डी ए क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट इंटू डी बाई डीटी ऑफ क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट चलेगा, यही था ना बेटा? वो भाई एप्सिलॉन नॉट तो गया, क्या बचा? डी क्यू अपॉन डी टी। पर बात हो रही है बच्चों कैपेसिटर की, और कैपेसिटर वाले केस में आई डी क्या बोलूंगा? डी बाई डीटी ऑफ क्यू। डी क्यू अपॉन डी टी तो आईसी भी है ना, अरे चार्ज यहीं से आ रहा वायर से ना, तो डी क्यू अपॉन डी तो आईसी भी है, तो मतलब आई डी आईसी के बराबर ही हुआ। पर अगर कैपेसिटर का फॉर्मूला अप्लाई करूं तो क्या बनेगा? डी बाई डीटी ऑफ क्या बेटा? सी बी क्यू सी बी के बराबर होता है। तो क्या बना? फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन,
प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। हाँ, ये रहा आपका डिस्प्लेसमेंट करंट। तो भाई मैक्सवेल ने बोला कि जहां कहीं भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स टाइम के साथ चेंज करेगा वहां पर एक करंट एग्जिस्ट करेगा जिसका नाम होगा डिस्प्लेसमेंट करंट। और अगर वो करंट होगा, ये देखो करंट है ना, क्या करते थे करंट की डायरेक्शन में, क्या करते हैं थंब, करंट की डायरेक्शन में थंब करते हैं मैग्नेटिक फील्ड सर्कल में। ये ब्लू जो लाइन है सर्कल में मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही है। करंट जिस डायरेक्शन में उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो चुके हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड फॉरवर्ड डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड उसके राइट एंगल पे सर्कल में, मैग्नेटिक फील्ड राइट एंगल पे सर्कल में बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, ये ना इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड, दोनों राइट एंगल पे। ज्यादा ब्लू लाइनें मैं ड्रॉ करना, एक आधी ड्रॉ करो ताकि मैग्नेटिक फील्ड शो कर सकूँ, है ना। इसकी तरह ज्यादा नहीं करनी, फिर तुम्हारे कन्फ्यूजन होगा वहाँ पे। बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, किरचॉफ फर्स्ट लॉ फेल होने से बच गया, करंट एंटरिंग इज इक्वल टू करंट लीविंग आ गया। सीधा सीधा कर दूं भाई इसको, तो जहां कहीं भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज करेगी, वहां ये करंट होगा। अरे भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो यहां भी है और यहां भी ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स तो चेंज कर रहा है, तो यहां भी करंट है। जहां कहीं भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज करेगा वहां ये करंट एग्जिस्ट कर जाएगा। चलो आगे बेटा, उसी चक्कर देख रहा बेटा कर। जरूरी नहीं है कि सर्कल ही बना लेने, तुम ऐसे करो ना, कैपेसिटर ऐसे शो कर लो, पहले प्लेट कैपेसिटर शो कर लो ना, ऐसे ऐसे, ये पॉजिटिव प्लेट है नेगेटिव प्लेट, समझे। बनाने में दिक्कत है तो आप पहले प्लेट कैपेसिटर शो कर सकते हो, सर्कुलर प्लेट बनाने की जरूरत नहीं है। ये तो ग्राफिक डिजाइनर होते हैं, तुमने थोड़ा पढ़ना है ग्राफिक डिजाइनर, तुम तो फिजिक्स आके आर्टिकल लोगों को बताने हैं क्या होगा।
चलो बच्चों आगे आगे देख। तो बेटा आईडी क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट करंट वही पीछे से आगे शुरू हुआ है, और ये दोबारा नहीं ड्रॉ करना, तुम बहुत तेज हो। ये वही वाला डायग्राम पिछले वाला है। आई डी इक्वल टू सी इंटू डी वी अपॉन डी टी प्लस वी इंटू डी सी अपॉन डी टी, यही था ना बेटा। तो देखिए क्या होगा, अगर बच्चा वी कॉन्स्टेंट है, वोल्टेज कॉन्स्टेंट भाई, अगर वी कॉन्स्टेंट तो डी वी अपॉन डी टी क्या हो जाएगा, बोलो भाई, जीरो। बच्चा क्या वी इंटू डी सी अपॉन डी टी, तो आई डी आपके पास आ जाएगा वी इंटू डी सी अपॉन डी टी। और अगर सी कॉन्स्टेंट है, वी चेंज कर रहा है, तो डी सी अपॉन डी टी जीरो, सी इंटू डी वी अपॉन डी टी। और अगर दोनों ही चेंज कर रहे हैं, वी बी और सी बी, तो पूरा का पूरा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा तुम्हें। दोनों में से कोई एक अगर चेंज कर रहा है, तो इस तरीके से आप डिस्प्लेसमेंट करंट का नया फॉर्मूला आपके सामने है। पर अगर दोनों ही चेंज कर रहे हैं, फिर तो ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ठीक तो है, वो चलो मैं आगे। क्या आप दाढ़ी वाला बना लेना भाई, वो बना लेना जो साइड पे है। बहुत गंदे इंसान हो तुम लोग, दो लाइनें लिखने के लिए बोले अभी भी नहीं आके जाना, बोले इसको देख ले, देख तो ले जी भर के, दाढ़ी वाला देखना भी जी भर के इन्होंने। वो चलो आगे। वो अरे चिंपू इतना से तो करना था। ठीक अब लगा करने, वो दोबारा बना दिया, वो दोबारा दोबारा फिर से जल्दी कर। शेडिंग के लिए बेटा नोबेल प्राइज वाला ना किसने पकड़ने के लिए तो बोले इसको देना ही पड़ेगा है। चलो आगे। कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट हेल्प इन अवॉइडिंग फेलियर ऑफ टू इंपॉर्टेंट लॉज। पहला बेटा किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। देखिए जब यहां से करंट चलने लगा, तो इस करंट को हमने क्या बोला, कंडक्शन करंट, राइट। और यहां पर भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होने लगा, चार्जिंग बढ़ने लगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ने लगी, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे जैसे चार्ज ग्रो करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रो करेगी, तो फ्लक्स चेंज करेगा। और अगर फ्लक्स चेंज करेगा, तो यहां एग्जिस्ट करेगा कौन, डिस्प्लेसमेंट करंट। इन द एब्सेंस ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट, इन द एब्सेंस ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट, क्या था बेटा, करंट एंटरिंग तो था, करंट लीविंग नहीं था। किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, डू नॉट होल्ड गुड बट
आफ्टर आफ्टर द डिस्प्लेसमेंट करंट कॉन्सेप्ट क्या बेटा आईडी आपके पास आ गया एप्सिलॉन नॉट इनटू डी फाई अपॉन डी टी एप्सिलॉन नॉट इनटू डी वेरिटी ऑफ क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट क्या बना डी क्यू अपॉन डी टी और डी क्यू अपॉन डी टी क्या बेटा कंडक्शन करंट आईडी टू आई सी किरचॉफ लॉ होल्ड गुड जितना करंट एंटर कर रहा है उतना ही लीव कर रहा है तो भाई मैक्सवेल के डिस्प्लेसमेंट करंट के कॉन्सेप्ट ने हमारा एक लॉ फेल होने से बचा लिया। जब तक कैपेसिटर फुली चार्ज नहीं हो जाता ये तब तक है बस। व्हेन द कैपेसिटर इज फुली चार्ज इट ऑफर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस टू डीसी, फिर डीसी इसमें फ्लो नहीं कर सकता। तो ये सारी बात तब तक हो रही है जब तक कि कैपेसिटर फुली चार्ज नहीं हो जाता। और मैंने सीआर सर्किट में आपको बताया था कैपेसिटर के फुली चार्ज होने का टाइम बहुत ज़्यादा नहीं होता, से 1/10,000 ऑफ अ सेकेंड, बहुत ही छोटे से टाइम की बात हो रही है। क्या मैं आगे चलूं बेटा? चलें बेटा। एक और लॉ फेल होने से बच गया भाई, और वो था एम्पियर सर्किट लॉ। कौन सा जी? एम्पियर सर्किट लॉ फेल होने से बच गया। बे आ जाए यार कीबोर्ड, आई नहीं रहा यार। कौन सा बेटा? एम्पियर सर्किट लॉ। अब ये कैसे बच गया जी? एम्पियर सर्किट लॉ बेटा दूसरा लॉ था जो कि फेल होने से बच गया। वो कैसे? इन द एब्सेंस ऑफ, देखिए ये क्या था, ये था कंडक्शन करंट राइट, और हम यहां पर लो भाई यहां पर एक छोटा सा लूप, क्योंकि एम्पियर सर्किट लॉ क्या था, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू आई। तो ये मेरा एक लाइन क्लोज कर वेस वन मैंने यहां कंसीडर किया, एक क्लोज कर वेस टू बेटा इसके साथ ही आगे बस देखो, समझे भाई? एक क्लोज कर यहां कंसीडर किया, पर एस टू में तो करंट ही नहीं है अगर डिस्प्लेसमेंट करंट ना हो तो क्या हो जाएगा? इन द एब्सेंस ऑफ डिस्प्लेस कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट,
इन द एब्सेंस ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट, इफ वी अप्लाई एम्पेयर सर्किट लॉ टू एस वन, क्या लिखो बेटा? बी डॉट डी एल इक्वल, बोलो बोलो भाई, म्यू नॉट इंटू आई सी। तो यहां मैग्नेटिक फील्ड जिंदा रहेगी, जब हम डीएल लेंगे, टू पाई आर कुछ भी लेंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड कुछ ना कुछ निकलेगी ना बेटा। लेकिन अप्लाई ACL फॉर एस टू है बेटा, एस टू के लिए जब अप्लाई करोगे तो क्या आएगा? बी डॉट डी एल इक्वल जीरो। अरे करंट ही नहीं आगे भाई, अगर डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं लेते हो तो एस टू में क्या होगा? जीरो। अब इसका मतलब पता क्या हो बेटा, कि यहां तो मैग्नेटिक फील्ड है, बी डॉट डी एल जीरो का मतलब समझते हो, मैग्नेटिक फील्ड जीरो। तो यहां एस वन में मैग्नेटिक फील्ड है, अचानक से साथ वाले पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो गई, वो ऐसा नहीं होता है कि यहां जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है थोड़ा सा आगे गए, बोले मैं वो तो गुम ही होगी, बोले पता नहीं कहां गए। अब पानी की नदी अगर चल रही है, पानी आ रहा है, यहां तक आया, अब उसके बाद बोले खत्म ही हो लीजिए, पता नहीं कहां गया। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के जितने भी फॉर्मूले आपने किए, मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं जैसे हमारे पास करंट कैरिंग वायर की वजह से म्यू नॉट अपॉन फोर बाई टू वाई अपॉन आर इनवर्स पोजिशन वायर, जी इलेक्ट्रिक फील्ड कहते के क्यू बाई आर स्क्वायर। अरे अचानक थोड़ा यार, आर जब इन्फिनिटी होगा तब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होनी है, आर इन्फिनिटी होगा तब मैग्नेटिक फील्ड जीरो होनी है। ऐसे थोड़ा होता है कि यहां तो फुल मैग्नेटिक फील्ड है जी ढंग से है, और आगे थोड़ा एक पॉइंट आगे गए तो बोले तो पता नहीं कहां गए, खत्म हो गए, फेल हो गया ACL, एम्पियर सर्किट लॉ फेल हो रहा था। लेकिन जैसे ही कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट आया तो यहां क्या आ गया? आईडी। यहां आ गया आईडी बेटा, और अगर यहां आईडी आ गया एस वन और एस टू, ठीक है बेटा, लेकिन आफ्टर डिफाइनिंग ACL क्या हुआ? हाँ जी बेटा, आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट, क्या अप्लाई ACL टू एस टू बेटा, क्या बना? क्या बना बे? बी डॉट डी एल इक्वल, बोलो भाई, म्यू नॉट इनटू आईडी। अब आईसी और आईडी बराबर थे, बराबर है तो हाँ, जितनी मैग्नेटिक फील्ड यहां पर थी उतनी मैग्नेटिक फील्ड वहां पर भी है। मतलब डिस्प्लेसमेंट करंट ने दो लॉ फेल होने से बचा लिए, एक किर्चॉफ्स फर्स्ट लॉ, दूसरा एम्पेयर सर्किट लॉ। और अब हमारे पास जो लॉ आएगा उसको एम्पेयर मैक्सवेल लॉ बोलते हैं। अब आपने देख लिया कि जहां आईसी है वहां आईडी नहीं है बेटा, और जहां आईडी है वहां आईसी नहीं है, तो एम्पेयर ने मॉडिफाई किया इस लॉ को, और अब हम उसको जानते हैं एम्पेयर मैक्सवेल के नाम से। ये रहा जी एम्पेयर मैक्सवेल लॉ। एम्पेयर मैक्सवेल लॉ क्या बोलता है? क्या बेटा? के बी डॉट डी एल इक्वल म्यू नॉट इनटू आईसी नहीं होता, आईसी प्लस आईडी होता है।
जहां आई सी है वहां आई डी जीरो हो जाएगा, आई डी को जीरो डालोगे ना जहां, ठीक है, और जहां आई डी है वहां आई सी जीरो होगा। कंडक्शन करंट तो वायर में होगा ना बेटा, अंदर तो कोई वायर है नहीं है, और वायर है नहीं है तो वहां कंडक्शन करंट होगा नहीं। हाँ जी बराबर है, आई सी जहां होगा वहां आई डी नहीं होगा, जहां आई डी होगा वहां आई सी नहीं होगा। तो इसलिए दोनों स्पेस पे लग गया और दोनों के लिए होल्ड कर रहा है। लेकिन अब इसको सिर्फ सर क्या बोलेंगे, एम्पियर सर्कुलर लॉ नहीं बोलेंगे, अब बोलेंगे एम्पियर मैक्सवेल लॉ। यहां क्या दिक्कत हो गई थी, मैग्नेटिक फील्ड बिकम जीरो विच कैन नॉट बी ट्रू। क्यों भाई, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कैन नॉट वैनिश सडनली, अचानक से जीरो नहीं हो सकती। कि एक पॉइंट पीछे तो मैग्नेटिक फील्ड है, थोड़ा सा पॉइंट आगे गए तो वहां से मैग्नेटिक फील्ड गुम हो गई। क्या चाहिए बेटा, मांग मांग। चलो आगे भाई, अब आ गई मैक्सवेल इक्वेशन एंड वैक्यूम बेटा। पहला देखो, मैक्सवेल इक्वेशन बोल रहे हैं हम लोग इनको, जबकि बेचारे मेहनत किसकी है, गॉस लॉ की। पर सबसे ज्यादा मेहनत इसकी है जिसने इतनी 85 इक्वेशन में से आइडेंटिफाई किया कि फंडामेंटल इक्वेशन कौन सी है। तो मैक्सवेल ने आइडेंटिफाई किया कि भाई ये फंडामेंटल इक्वेशन है, बाकी बोले बाकी इक्वेशन कहाँ गई, बाकी सब इनसे डिराइव हो जाएंगे। कूलम लॉ का कहीं नाम निशान है, क्यों, कूलम्स लॉ कैन बी डिराइव्ड विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ, है ना। तो गॉस लॉ इन इलेक्ट्रिसिटी, ई डॉट डी ए इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, पहला। दूसरा गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म, बी डॉट डी ए इक्वल टू टोटल मैग्नेटिक चार्ज जीरो, क्यों, अरे भाई मैग्नेटिक पोल सेपरेट नहीं होते, मैग्नेटिक पोल्स नहीं की तो ले जाने चक्कर जैसे इलेक्ट्रिसिटी ने, बच के रही हो। क्या बोला है, बोल बोल। E डॉट डी ए इक्वल क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, बी डॉट डी ए टोटल चार्ज, टोटल मैग्नेटिक चार्ज, अरे मैग्नेटिक पोल सेपरेट नहीं होते भैया, नॉर्थ है तो वहां साउथ भी होगा, क्वाइल में करंट अगर है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, करंट का मतलब साउथ पोल मेरी तरफ से जो क्लॉकवाइज है, तुम्हारी तरफ से क्या है देखो एंटी क्लॉकवाइज, तो नॉर्थ पोल, नॉर्थ और साउथ इकट्ठे रहते हैं हमेशा। मैग्नेट कार्ड भी दो तब भी नॉर्थ और साउथ सेपरेट नहीं होते, टोटल मैग्नेटिक चार्ज क्या होगा, जीरो, पी डॉट डी ए इक्वल जीरो, दिस इज गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। E डॉट डी एल इक्वल टू डी फाई अपॉन डी टी, क्या ये ई एम एफ इंड्यूस क्या होता है, अरे E इक्वल टू माइनस डी बी अपॉन डी आर ना बेटा, याद आया, माइनस डी बी अपॉन डी आर, तो माइनस डी बी इक्वल टू ई डी आर है ना बेटा, ऐसा E डॉट डी एल क्या बन जाएगा, ये पोटेंशियल डिफरेंस ई एम एफ, ई एम एफ इंड्यूस इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी, याद आया, फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को हमने लिखा, ई डॉट डी एल ई एम एफ इंड्यूस इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी। फिर एम्पियर मैक्सवेल लॉ, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू आई सी प्लस म्यू नॉट इनटू आई डी, आई डी क्या था, एप्सिलॉन नॉट इनटू डी फाई अपॉन डी टी। और पांचवा आपके पास ही लॉरेंज फोर्स, इसने चार ही मेंशन किए वैसे, मैक्सवेल्स इक्वेशंस इन वैक्यूम। लॉरेंज फोर्स भी अलग से अपनी एक हैसियत रखती है, उसको भी कहा गया था, लेकिन ऊपर वैक्यूम में लिखा है तो वैक्यूम में इलेक्ट्रिक फील्ड तो कहीं भी हो सकती है,
चार को ही लिखते हैं। चलो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी भाई मैक्सवेल की कि 85वें इक्वेशन में से चार इक्वेशन ढूंढ के लाना और उनको बोलना हाँ ये फंडामेंटल हैं, इनके हेल्प से बाकी सारे के सारे चीज़ें डिराइव की जा सकती हैं। गोद में बैठ जाए उसकी जाके, बिठा ले गर्दन में बिठा ले, विक्रम बेताल खेल ले। नोट कर ली बेटा, एनसीईआरटी की एक प्रॉब्लम है और एनसीईआरटी में आ गया बेटा क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट 1 - e^2 EMV में, बाकी दिया नहीं हुआ न्यूमेरिकल आ गया पर, तो इसलिए अच्छा हुआ हमने कम से कम फॉर्मूला तो कर लिया है। डेरिवेशन करनी होगी तो डेरिवेशन मैं करवा दूंगा। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद सर्कुलर प्लेट्स ऑफ रेडियस 1 मीटर, ये सर्कुलर प्लेट है भाई, तो देखो ये ज़्यादा ग्राफिकल माइंड नहीं है इसका, एनसीईआरटी वाले का सर्कल सर्कल कुछ नहीं ड्रॉ किया, बस इमेजिन कर लो भी सर्कल है ऐसे ऐसे करके, है ना, ये भी सर्कल है और ये भी सर्कल है, सर्कुलर प्लेट्स है। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद सर्कुलर प्लेट्स ऑफ रेडियस 1 मीटर हैज अ कैपेसिटेंस ऑफ 1 nF बेटा, एट टी इक्वल टू 0 इट इज कनेक्टेड फॉर चार्जिंग इन सीरीज विद रेजिस्टेंस, तो सीआर सर्किट बन गया, चार्ज ग्रो करेगा इसके ऊपर, और चार्ज ग्रो करने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया क्या, क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू 1 - भाई याद तो कर लिया करो जब करवाता हूं, क्यू इक्वल टू क्यू नॉट बोलो भाई 1 - e^2 - t/CR, ये ग्रोथ के लिए फॉर्मूला। इट इज कनेक्टेड फॉर चार्जिंग इन सीरीज विद रेजिस्टेंस आर 1 mΩ अक्रॉस 2 वोल्ट बैटरी, कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, यहां पे बेटा हाफ वे बिटवीन द सेंटर एंड द पेरिफेरी ऑफ द प्लेट्स, आधे में, तो रेडियस इसका दिया शायद ऊपर, रेडियस दिया क्या, ओपी दिया है 0.5 मीटर, रेडियस दिया 1 मीटर है ना, तो 1 मीटर से आधे में 0.5 मीटर पे एक पॉइंट है, हाफ वे बिटवीन द सेंटर एंड द पेरिफेरी ऑफ द प्लेट्स आफ्टर टी इज इक्वल टू 10⁻³ सेकेंड द चार्ज ऑन द कैपेसिटर एट टाइम टी इज क्यू इज इक्वल टू सी वी, पर इसने एक्सप्रेशन दे दिया यहाँ पे, याद करने की जरूरत नहीं है, क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट सी वी इज क्यू नॉट 1 - e^2 - t/tau, ठीक, वेयर द टाइम कॉन्स्टेंट tau इज इक्वल टू सी आर -t/CR, तो इसने दे दिया है, तो इस ये नहीं एक्सपेक्ट करेगा कि आपको डेरिवेशन को याद रखो, ऑलरेडी इसने फॉर्मूला दे दिया है। तो मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है पॉइंट पी पे बेटा, तो यहां देखेंगे क्यू आ गया सी बी इंटू 1 - e^2 - t/tau, सी की वैल्यू आपको दी है, बी की वैल्यू आपको दी है, मल्टीप्लाई कर दिया 1 - e^2 - t/tau की वैल्यू आपको सी आर दिया, सी भी दिया आर भी दिया है, डाल दी वैल्यू, और इलेक्ट्रिक फील्ड इन बिटवीन द प्लेट एट टाइम टी कितनी आ जाएगी क्या बेटा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, यही ना बेटा, क्या आती है इलेक्ट्रिक फील्ड, ई डॉट डी ए इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, तो यही क्या आ जाएगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय एरिया, अबे समझ रहे हो, ई डॉट डी ए इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, तो ये आ जाएगा क्यू डॉट बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू एरिया, क्यू बाय अब एरिया क्या है पाई आर स्क्वायर, आर कितना है 1 मीटर दिया है, दिया ना बेटा, तो एरिया आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू 1 स्क्वायर के बराबर, एरिया पाई इंटू 1 स्क्वायर मीटर, क्यू बाय पाई एप्सिलॉन नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। नाउ कंसिडर अ सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस 1/2, ये यहां तक मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट पी पे फाइंड आउट करने को बोल रहा है, तो इतने के अंदर जो डिस्प्लेसमेंट करंट होगा वो फाइंड आउट करना है आपने, वैसे तो सारे में ना बेटा चार्ज तो यहां भी है, देखो जब बैटरी से कनेक्ट कर दिया तो चार्ज यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, सारे में है, ये नेगेटिव भी यहां है, यहां सारे में है, लेकिन वो बोला है बस यहां पे फाइंड आउट करनी है, तो बेटा यहां पे इतना सा एरिया लोगे आप,
इतना सीरियल हो गए तो इसके अंदर जो डिस्प्लेसमेंट करंट है वही फाइंड आउट करोगे, और उस डिस्प्लेसमेंट करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होती है ना, तो करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होती है। लेकिन कितना डिस्टेंस में निकालनी है, पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल चुके हो तुम लोग, समझ लो। फिर उसके बाद नोट करो, अलोंग द लूप ऑफ द सेम वैल्यू द फ्लक्स फाई थ्रू द लूप इज ई इंटू एरिया ऑफ द लूप ई इंटू पाई इंटू 1/2 होल स्क्वायर, या क्या फ्लक्स इतने में से पाई इंटू 1/2 का होल स्क्वायर, एक मीटर था ना बेटा रेडियस, ये आधे पे बोल रहा है, पाई आर स्क्वायर पाई इंटू 1/2 होल स्क्वायर क्या पाई बाय 4 क्यू बाय 4 एप्सिलॉन नॉट, डिस्प्लेसमेंट करंट कितना आ गया आई डी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू डी फाई अपॉन डी टी, है ना बेटा, यही आएगा जी। अप्लाई कर लो 1/4, वो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड थी क्यू, ये था आपके पास है ना टी की टर्म में क्यू ये था बेटा, और क्यू की वैल्यू यहाँ डाल सकते हो, क्यू की वैल्यू डालोगे ना बेटा 1/4 डी क्यू अपॉन डी टी, क्यू की वैल्यू वो रही क्यू नॉट इंटू 1 - e^t अपॉन 10^-3, क्यू की वैल्यू यहाँ डालोगे, वैल्यू डालोगे और आपके पास क्या निकल आएगा, क्या बी डॉट डी एल एम्पियर मैक्सवेल लॉ ना, बी डॉट डी एल इज क्लो बोलो म्यू नॉट इंटू आई डी बी इंटू 2πr इक्वल म्यू नॉट इंटू आई डी, है ना बेटा, बी आ जाएगा आपके पास म्यू नॉट इंटू आई डी अपॉन 2πr, म्यू नॉट अपॉन 4π 2 से मल्टीप्लाई करो 2 से डिवाइड करो, म्यू नॉट अपॉन 4π 2i/r, अबे यही था ना इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट कनेक्टर वायर की वजह से, म्यू नॉट अपॉन 4π 2i/r, सीधा फॉर्मूला भी लगा सकते हो, एम्पेयर्स रिलेटेड लॉ लगाओगे तब भी वही आएगा, बी डॉट डी एल का इंटीग्रेशन ई करो म्यू नॉट इंटू आई डी, आई डी तुमने ऊपर निकाला है वो सब्स्टिट्यूट करोगे यहाँ पे, और सब्स्टिट्यूट करोगे तो बी निकाल सकते हो। एनसीईआरटी की प्रॉब्लम एक बार देखो, मुझसे दोबारा पूछो जो भी पूछना है इसमें, किसको बेटा आर बाय टू इंटू, वो तो फ्लक्स चेंज मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से आती है, कहीं मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही हो ना जो उसकी बात कर रहे हैं इंड्यूस, अब वहाँ मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने की वजह से आती है, यहाँ पर करंट है डिस्प्लेसमेंट करंट उसकी वजह से निकालनी है, वहाँ पर क्या था मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही थी उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी, यहाँ करंट मैग्नेटिक फील्ड नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है, फिर समझ लो भाई, एक सर्कुलर प्लेट आपके पास ये है, और दूसरी सर्कुलर प्लेट आपके पास ये है नीचे वाली, ठीक है जी, रेडियस दिया है 1 मीटर, और जब रेडियस 1 मीटर दिया है तो आप सबसे पहले कर लोगे कि चार्ज ग्रो कर रहा है तो चार्ज का फॉर्मूला क्या है, क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू 1 - e^2, यह आ गया चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि ई डॉट डी ए ई इंटू ए क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई क्यू बाय पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू की वैल्यू यहाँ डाल दोगे आगे, उसके बाद ये बोलता है कि पॉइंट पी पे जो कि आधे रेडियस पे है वहाँ फाइंड आउट करिए बस, अरे भाई उसका तो ये बनेगा जुगाड़ ही है, बस इतना सा ना है जी, यही कंसीडर करोगे ना इतना सा एरिया, तो एरिया चेंज हो गया जो हमने कंसीडर करना है, अब ई डॉट ए ए हो जाएगा इतना सा एरिया इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, क्यू हमारे पास ये है, एरिया हमारे पास छोटे वाला रह गया, ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, क्यू हमारे पास ये रहा जी, ई आ गया दोबारा से ये आ गया इधर आ गया, डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है आई डी एप्सिलॉन नॉट इंटू डी फाई अपॉन डी टी, फाई क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होता है तो क्या आया डी क्यू अपॉन डी टी, ये आ गया ना बेटा 1/4 डी क्यू अपॉन डी टी, पर क्यू तो ये है टाइम के साथ वेरी कर रहा है, तो आप डी क्यू अपॉन डी टी में इसको डिफ्रेंशिएट करोगे, डिफ्रेंशिएट करके ये आ जाएगा, टाइम उसने दिया हुआ तो टाइम सब्स्टिट्यूट कर दोगे, फिर अप्लाई करोगे एम्पेयर सर्किट लॉ, क्या बोलता है एम्पेयर सर्किट लॉ, वो भाई क्या बोलता है एम्पेयर सर्किट लॉ,
वो बोलता है बी डॉट डीएल इक्वल म्यू नॉट इनटू आईडी आया वहां पे, डीएल का इंटीग्रेशन टू बाई स्मॉल आर जो कि 1/2 मीटर है, म्यू नॉट इनटू आईडी, तो बी कितना आ गया बच्चों, म्यू नॉट अपॉन 2 बाई आईडी अपॉन आर। आईडी तुमने फाइंड आउट कर लिया, आर 1/2 मीटर है, सब्स्टिट्यूट करोगे आंसर आएगा। तुम्हारी एनसीईआरटी की प्रॉब्लम बेटा, आया कि नहीं आया, दोबारा बताऊं क्या आया बे, तुम्हारे को आया बच्चों, क्यों दिया है वेरिएबल था, आप ई डॉट डी ए इजगुड क्यू बाय एफसार एन नॉट लिखते हो तो ई आ गया क्यू डिवाइड बाय एफसार एन नॉट है, और क्यू वेरिएबल है ठीक, आई डी आएगा बाद में डी क्यू अपॉन डी टी, तो टी की टर्म में जो वेरिएबल है उसको डिफ्रेंशिएट कर दोगे आई डी आ जाएगा आपके पास, टी की वैल्यू दी हुई है टी सब्स्टिट्यूट कर दो आई डी निकला है, उसके बाद एम्पेयर सर्किट लॉ लगा दिया बी डॉट डी एल इजगुड म्यू नॉट इंटू आई डी और बी निकला है जहां पे भी उसने पूछा है। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, सुनिएगा, मैक्सवेल ने और बहुत शानदार काम किया पर इसकी डेरिवेशन अब आपके कोर्स में नहीं है, हमारे टाइम में हुआ करती थी बेटा, और पूरा 2-3 बार बोर्ड मिटाना पड़ता था भर भर के, तीसरी बार मिटा के फिर डेरिवेशन आती थी, काफ़ी लंबी डेरिवेशन थी, अभी आपके लिए सिर्फ फॉर्मूला रख दी गए हैं, ध्यान से देखें इधर बेटा, ये भी मैक्सवेल ने ही बोला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वेव बोला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को बोलना मैक्सवेल का कॉन्सेप्ट था, और अगर वेव बोल दी तो प्लस वन का याद है कुछ, वेव इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव, वाई इज इक्वल ए साइन ओमेगा टी प्लस या माइनस फाई, और फाई के एक्स के बराबर था, प्लस या माइनस के एक्स, अगर वेव प्लस एक्स डायरेक्शन में जा रही हो याद करने की कोशिश करो बेटा, वेव ट्रेवलिंग इन प्लस प्लस एक्स डायरेक्शन, वाई इज इक्वल ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और वेव ट्रेवलिंग इन माइनस एक्स डायरेक्शन y इज इक्वल ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, कुछ याद आया, मैक्सवेल ने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में है वो वेव की तरह इक्वेशन बनती है इनकी, e इज इक्वल ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और मैग्नेटिक फील्ड की b इज इक्वल बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और मैक्सवेल ने यह भी प्रूव किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में भी राइट एंगल पे होती हैं और डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के भी राइट एंगल पे होती हैं, अब तो हम सीधा बोल देते ना पर प्रूव किया है मैक्सवेल ने, चलिए और उसने क्या प्रूव किया, और ये भी बोला मैक्सवेल ने, ये भी प्रूव किया कि स्पीड ऑफ लाइट आई जब ये किया ना बेटा, ये कंसिडर करके है ना, उसके बाद ये भी प्रूव किया कि स्पीड ऑफ लाइट कितनी आई 1/μ0ε0, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया, कमरे में बैठ के ये माना कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेव है मैग्नेटिक फील्ड भी वेव है, और फिर उसका आंसर क्या आया कि सी आना चाहिए 1/μ0ε0, अरे μ0 किसी और का कॉन्सेंट मैग्नेटिक फील्ड में, और εr0 किसी और का कॉन्सेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में है ना, और मैक्सवेल के पास ये आंसर आया, डालता है फिर ये वैल्यू डाली, μ0 की वैल्यू 4π × 10⁻⁷, εr0 की वैल्यू 8.854 × 10⁻¹2, जब वैल्यू डालता है देखता क्या है एग्जैक्ट जो प्रैक्टिकली लोग कर रहे थे सी की 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड वो वैल्यू आ गई, इसका मतलब है कि मैक्सवेल की इस कंट्रीब्यूशन में दम था, लोग पार्टिकल मान के चले हुए थे, कुछ लोग दो गुट मान गए थे बेटा, कुछ लोगों का मानना था कि लाइट की पार्टिकल नेचर है, लेकिन ये हमारा जो मैक्सवेल थे ये वेव नेचर के सपोर्टर थे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेव होती है और मैग्नेटिक फील्ड भी वेव होती है, वेव नेचर की सपोर्टर के साथ डेरिवेशन में आगे बढ़ा, एक्सपेरिमेंट नहीं किया कोई, ये मान के आगे बढ़ा और उसने प्रूव किया सी आना चाहिए इतना, जब μ0 εr0 की वैल्यू डाली एग्जैक्टली वही आया 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड, इसका मतलब दम था भाई, थ्योरी में दम था, थ्योरी सही थी शायद, अब पार्टिकल थ्योरी पार्टिकल नेचर के सपोर्टर बोलते हैं हमारी थ्योरी सही है, वेव नेचर के सपोर्टर बोलते हैं हमारी नेचर सही है, हमारी थ्योरी सही है, अब उनके झगड़ा मिटाने के लिए क्या किया, उनको बोल दिया भाई झगड़ा कोई नहीं करने की जरूरत नहीं है, लाइट की कुछ बेसिक करेक्टरिस्टिक है
लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लाइट ओबे करती है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ओबे करती है, इंटरफेरेंस करना है अभी उन्हें वे में, इंटरफेरेंस को एक्सप्लेन कर दो, डिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन कर दो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन कर दो, जिसने सारे फिनोमेना एक्सप्लेन कर दिए उसकी थ्योरी मान लेंगे, हो गया पंगा क्या हुआ बेटा, ना वेव नेचर वाले सारे फिनोमेना को एक्सप्लेन कर पाए और ना ही पार्टिकल नेचर वाले, सारे फिनोमेना को दोनों ही थ्योरी वाले एक्सप्लेन नहीं कर पाए, कुछ तो गड़बड़ था। और उस गड़बड़ का फायदा उठाया फिर किसने, बाबा डी ब्रोगली ने, ड्यूअल नेचर थ्योरी देके, बोले भाई तुम भी सही बोल रहे हो, तू भी सही बोल रहा है, वो जैसे वो बिस्कुटों की ऐड नहीं आती, बोले खट्टा मीठ नमकीन, खट्टा मतलब मीठा नमकीन मीठा, बोले यार इसमें दोनों को मजा है, कौन से बिस्कुट की ऐड आती है पता नहीं आती किसी, ठीक है मीठा नमकीन, मीठा नमकीन लड़ लड़ रहे होते हैं 50-50 या तो भाई डी डी ब्रोगली ने आके दोनों का झगड़ा शांत किया, बोले यार तू भी ठीक बोल रहा छोटू और तू भी ठीक है, तुम साइड पे हो जाओ, बोले मेरे ना ब्लू लाइट लाओ यहाँ पे का है तो बंदे ने बच्चा सेंटिमेंटल हो गया बताओ तीर मोटे है? लिखता एक अक्षर नहीं है, है? तो बंदे ने क्या बोला, क्या किसने बेटा डी ब्रोगली को नोबेल प्राइज मिला था इस चीज के लिए कि उसने ड्यूअल नेचर थ्योरी दी, और ड्यूअल नेचर थ्योरी का मतलब था कि वो लाइट कभी पार्टिकल की तरह और कभी वेव की तरह बिहेव करती है। अब ये पानी पी लूं मैं थोड़ा सा भाई, गला तर करूं, ड्यूअल नेचर थ्योरी में दम क्यों था, क्योंकि दोनों ही सारी सारी के सारी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे, और ड्यूअल नेचर थ्योरी में दम इसलिए भी था कि भाई लाइट की मर्जी है किसी पर्टिकुलर सर्कमस्टांस में पार्टिकल की तरह बिहेव करे, किसी दूसरे में वो वेव की तरह बिहेव करे, अरे ऐसी कैसी मर्जी भाई, तो मर्जी तो चली रही है, हमारे पीरियोडिक टेबल में जितने एलिमेंट हैं वो एलम्बुत्रु हमारे पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट हैं वो सब ऐसे ही तो है। अब देखें पानी की बात करते हैं, क्योंकि पानी की तीनों स्टेट आपने देखी हैं, वैसे तो थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर बोलते हैं सबकी हैं, वो आयरन की भी है एल्युमिनियम की भी है, लेकिन पानी आपने सबने देखा है तीन स्टेट में, फ्रिज के रेफ्रिजरेटर के अंदर, फ्रीजर के अंदर आइस की फॉर्म सॉलिड फॉर्म देखा है, रूम टेम्परेचर पे वो पानी की फॉर्म में देखा है, इसको पीते भी हैं ना, और सब्जी बनाने के काम, सब्जी धोने के काम, सारा काम उससे लिया जाता है, और अगर उसको बॉयल कर दिया जाए, स्टीम बना दिया जाए तो कॉफ़ी बनाते हो, वो स्टीम फॉर्म में भी आपने देखा, गैसेस फॉर्म में भी देखा है, लेकिन तीनों की करेंसी अलग है यार, है तो तीनों पानी है ना, पर अलग हालात में अलग करेंसी के। अब पानी को हम बोलते हैं पानी के बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है यार, और क्या हुआ कि बंदे को प्यास लगी थी इसको छोटू को, और साथ वाले ने क्या किया, बर्फ़ का इतना बड़ा शीला का दे मुँह में ठूंसा, तेरे को प्यास लगी, बोले जाने दे अंदर इसको, अब इतना बड़ा और बंदा मार दिया, अब उसके 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 करेंसी के अलग हैं, वो पीने का काम नहीं आएगा, नहीं उससे प्यास बुझने वाली है, अगली बार फिर उसको जी क्या किस तरीके से चलो अगली बार फिर बोले प्यास लगी हुई है, वो स्टीम बनाने की मशीन पड़ी हुई थी, पाइप जोड़ी डेट होके मुंह में, बोले पी बेटा पानी पी, बंदा भूख दिया फिर से, अब उसके 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 हालत अलग है भाई, अलग टेम्परेचर पर वो गैसेस फॉर्म है, वो भी पीने का काम नहीं आएगा हमारे, है ना बेटा, तो अलग अलग हालात में अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, इसमें कोई कोई परेशान होने की बात थोड़ा है, यही मानना फिर डी ब्रोगली भाई का था ड्यूअल नेचर थ्योरी के मामले में, ठीक है भाई लाइट कभी पार्टिकल की तरह तो कभी वेव की तरह बिहेव कर सकती है, पर दोनों का बिहेवियर बड़ा अजीब है, पार्टिकल अगर एक गोली मारे किसी को या एक बॉल फेंकें तो बेटा एक ही टारगेट पर जाके हिट करेगी वो थोड़ा भाई एक गोली मारी और सारे बंदे फ्लैट पड़े, बोले मैं भी मर गया मैं भी मर गया, मेरे को भी लगी, पार्टिकल की तो ये नेचर होती है ना, एक जगह आपने फेंका वहीं जाके हिट करेगी, वो मल्टीपल टारगेट थोड़ा फॉलो करती है, लेकिन वेव जो है मल्टीपल टारगेट फॉलो करती है, अब साउंड है मेरी, अब साउंड ऐसा थोड़ा कि इसके कान में घुसी बाकी ढूंढ रहे हैं, बोले कहाँ गई साउंड तुम तक सब तक पहुंच रही है, वेव हर जगह पहुंचती है, वेव ओमनीप्रेजेंट है, वेव हर जगह पहुंचती है, लेकिन पार्टिकल सिर्फ एक जगह पहुंचता है, दोनों की कैरेक्टरिस्टिक अलग है, ठीक है, लाइट अलग अलग सर्कमस्टांस में अलग अलग तरीके से बिहेव कर सकती है, वेव ऑप्टिक्स में इसके बाद उसके बारे में भी जानेंगे हम लोग, सी लिख दिया बेटा, ये भी प्रूव किया था कि सी ई नॉट अपॉन बी नॉट के बराबर होगा,
और सी ई अपॉन बी के बराबर ही होगा, क्यों? ई अपॉन बी क्या गया, ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स डिवाइड बाई बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये कैंसिल हो गया, ई नॉट अपॉन बी नॉट आ गया, तो सी ई नॉट अपॉन बी नॉट भी होगा, सी ई अपॉन बी भी होगा। मतलब क्या हुआ, अरे सी तो बहुत बड़ा है यार, 3 × 10⁸, इसका मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत बड़ी होती है, मैग्नेटिक फील्ड काफी छोटी होती है। रेशियो अगर 3 × 10⁸ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बहुत बड़ा है और मैग्नेटिक फील्ड का छोटा है, और इसीलिए लाइट के जब भी हम डिफाइन कहीं करने की कोशिश करते हैं तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड वैक्टर लिखा जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वैक्टर एज कम्पेयर टू मैग्नेटिक फील्ड वैक्टर काफ़ी लार्ज है रेशियो में। ठीक है, तो क्या बंद करके बैठ गया है? चलो इतना ही करते हैं, नेक्स्ट छोड़ते हैं, थोड़ा सा बचा है नेक्स्ट टाइम के लिए, नेक्स्ट टाइम हमारा ख़त्म है। हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव छोटा चैप्टर था, नेक्स्ट लेक्चर में ख़त्म है, और हमारा फर्स्ट सेक्शन भी ख़त्म हो जाएगा, इसके बाद तुम जो बोलोगे वो स्टार्ट कर लेंगे, वेव ऑप्टिक्स बोलोगे वो स्टार्ट कर लेंगे, या बोलोगे रे ऑप्टिक्स तो वो स्टार्ट कर लेंगे, जैसे भी जो करना होगा। ठीक है जी, ठीक है जी, थैंक यू। वो अटेंडेंस डर जो भी अटेंडेंस सुननी है।